कश्मीर पर मात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा पाकिस्तान, बंद करेगा अपना आसमान। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से अभी तक पाकिस्तान की बौखलाहट जारी है। वहीं इस बीच अब पाकिस्तान भारत के लिए एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रहा है। वहीं पाकिस्तान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के लिए एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ अफगानिस्तान और भारत के बीच होने वाले व्यापार के लिए पाकिस्तानी रास्तों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने को भी कैबिनेट की बैठक में सुझाया गया। वही हम आपको बता दें, अब इन फैसलों के लिए कानूनी औपचारिकताओं पर विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ फवाद हुसैन ने कहा है कि मोदी ने शुरू किया और हम इसे खत्म करेंगे। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाक पीएम इमरान खान ने सोमवार को परमाणु हमले की धमकी दी। वहीं पाकिस्तान की धमकी को दरकिनार करके पीएम मोदी उसके ही एयर स्पेस से ही फ्रांस से वतन वापस लौटे। वहीं हम आपको बता दें, पाकिस्तान अगर एयर स्पेस को बंद करता है तो वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि इससे पहले बालाकोट में भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान ने बौखलाहट में एयर स्पेस को बंद कर दिया था। वहीं पाकिस्तान को अपने इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसे भारत के मुकाबले करीब 200 करोड़ रुपए ज्यादा का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। वही हम आपको बता दें कि भारी नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान को अकल आई और अपने हवाई क्षेत्र को खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। वही हम आपको बता दें, बालाकोट एयर स्ट्राइक के 140 दिन बाद पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया था। कहा गया कि तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान एयर स्पेस को सभी प्रकार के नागरिक यातायात के लिए खोल दिया गया।